लोग काफी संख्या में पहुंचे हैं और कोरोना से भी मान रहते हुए भी काफी व्यापार हुआ है। करोड़ों का व्यापार हुआ। तो इस बार कोरोना को लेकर कोई इफेक्ट पड़ा कि नहीं? व्यापार में फर्क नहीं पड़ा। व्यापार जैसे होता था हर साल उसी तरह हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह यादव। यहाँ पर क्या है? हम यहाँ के बलबीर फ्रूट सेंटर के हम मालिक हैं। छठ पूजा की सभी प्रसादी खरीदारी करने आए हैं। सेब, केला, अमरूद, नारियल, सभी चीज़ें। बाजार समिति का माहौल काफ़ी अच्छा है। सभी सामान सस्ते दर पर उपलब्ध है और विधि व्यवस्था भी अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पटना से आया हूँ छठ करने। मेरा घर रासबाग है। तो सर इस बार क्या लगता है कोरोना को लेकर? पहले जैसे खरीदारी है कि इस बार कुछ कम है? प्रभावित है बाजार काफ़ी। आपके प्रभावित है कि नहीं? हम लोग तो प्रभावित सिर्फ यही है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कर रहे हैं। खरीदारी कैसा की है? खरीदारी का अच्छा है। वो पहले जैसा जैसा पहले से भी कम है इस बार बाजार? नहीं, आप पहले से कम किए कि ज़्यादा किए? इस खरीदारी की जो पूजा का होता है, मैं क्या कम जैसा करते थे जैसे करते थे उसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरवण कुमार है। यहाँ पर क्या करने आए आप? फल लेने आए हैं छठ के लेकर, छठ पूजा को लेकर। जी जी। कोरोना को लेकर इस बार क्या रहा है? पहले जैसा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पहले की तरह खरीदा रहा है। पहले की तरह? जी जी। कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है? नहीं, कुछ नहीं पड़ा। क्या नाम है सर आपका? बलराम कुमार। इस बार छठ पूजा में यहाँ पर मार्केट में खाली आदमी का भीड़ है। कोरोना के कारण पैसा लोग के पास नहीं है। खरीदारी बहुत, जो 5 किलो लेना का रहता है वो 1 किलो ले रहा है। हो रहा है बहुत, घाटा में जा रहे हैं हम लोग। बहुत परेशानी हो रहा है। कितना का व्यवसाय अभी तक होता है? यहाँ करोड़ों रुपया का हम लोग सभी व्यापारी मिलकर यहाँ फल मंगवाते हैं। लेकिन इन साल बहुत बुरा स्थिति है।
₹500 वाला केला का हम लोग बहुत 200 रुपया में बेच रहे हैं, 250 में बेच रहे हैं, जो 500 में बिकना चाहिए था। बहुत परेशानी हो रहा, बहुत हम लोग का लॉस हो रहा है कोरोना महामारी के कारण। तो इसमें वैसा बिक्री नहीं रहा? नहीं, वैसा बिक्री नहीं रहा, खाली भीड़ है, भीड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण पैसा नहीं है पब्लिक के पास, तो बिक्री नहीं है। क्या नाम है सर जी? क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार, फल विक्रेता। फल विक्रेता जी।